विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की प्रारंभिक पृष्ठभूमि एवं इसकी मुख्य विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं में हमने देखा कि भारतीय संविधान के संविधान का जो स्रोत है वो जनता है, और इसमें शासन के ध्येयों की घोषणा की गई है। तीसरी जो बात प्रमुख आती है वो है, यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना में इस विषय पर बल दिया गया है कि संविधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य बनाना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौम शब्द का प्रयोग किया जाना इस बात का द्योतक है कि भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम और स्वतंत्र है। विधि की दृष्टि से भारत के ऊपर न तो किसी आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध है और न ही किसी बाहरी शक्ति का। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के पारित हो जाने से भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त हो गया है और भारतीय संविधान बाहर की किसी भी सत्ता द्वारा थोपा नहीं जा रहा है। चौथी जो विशेषता प्रस्तावना की आती है वह है लोकतंत्रात्मक संविधान। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। देश में जनता के द्वारा राजशक्ति का प्रयोग किया जाएगा। राजशक्ति पर किसी एक वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं होगा और शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत के आधार पर होगा। उन्हीं कानूनों को लागू किया जाएगा जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होगा। राज्य में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा और राज्य की सीमा में निवास करने वाले समस्त स्त्री पुरुषों को समानता प्राप्त होगी। भारत का ऐसा लोकतंत्र होगा जिसमें अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्राप्त होगी और सामाजिक आर्थिक शक्ति का समता युक्त वितरण होगा ताकि किसी वर्ग विशेष का शोषण न हो। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त कतिपय शब्द जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, बंधुता आदि महत्वपूर्ण हैं और यह प्रकट करते हैं कि यह देश न केवल राजनीतिक लोकतंत्र होगा अपितु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी होगा। पांचवा है गणराज्य। प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रभाव डालता है कि दो प्रकार की लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं, वंशानुगत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। वंशानुगत लोकतंत्र के अंतर्गत राष्ट्र का अध्यक्ष किसी विशिष्ट वंश का होता है जो अपना पद वंशानुगत सिद्धांत के आधार पर प्राप्त करता है, किंतु राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वह केवल नाम मात्र का शासक होता है। उदाहरणार्थ इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक राजतंत्र है क्योंकि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को अपना पद वंशानुगत रूप से प्राप्त होता है। लोकतंत्रीय गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अर्थात गणतांत्रिक राज्य में राष्ट्राध्यक्ष को अपना पद जनता द्वारा निर्वाचन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में यह प्रस्तावना इंगित करती है कि भारत में राज्य का मुखिया कोई वंशानुगत राजा नहीं अपितु निर्वाचित राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का पद पर कोई भी नागरिक पहुँच सकेगा। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च शक्ति सार्वभौम व्यस्क मताधिकार से संपन्न जन समुदाय में निहित होगी। छठा बिंदु है न्याय। हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख का विशिष्ट महत्व है। संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में स्वतंत्रता और समानता के अतिरिक्त न्याय अनिवार्य है। न्याय के द्वारा ही लोकहित की वृद्धि हो सकती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना में प्रयास करना राज्य का परम पवित्र कर्तव्य माना गया है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय मानव मानव के बीच जाति और वर्ण के आधार पर भेद न माना जाए और प्रत्येक नागरिकों को उन्नति के समुचित अवसर प्राप्त हो। राज्य का दायित्व है कि दुर्बल वर्गों का शोषण रोके और उनके विकास के लिए क्रियाशील हो। आर्थिक न्याय से अभिप्राय उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ हाथों में केंद्रीकरण न हो। आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप साधन हो। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत
समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। मताधिकार के प्रयोग के आधार पर वयस्क मताधिकार का सिद्धांत ही होगा और राज्य के और अभिजात्य वर्ग में कोई विशिष्ट विषयों की रियायतें सुलभ नहीं होंगी। इस प्रकार प्रस्तावना में उपस्थित न्याय के विचार से लोक कल्याणी कारी राज्य का विचार दृष्टिगोचर होता है और नागरिकों को जीवन के अन्य क्षेत्रों में न्याय का आश्वासन दिया गया है। सातवां है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यह स्वतंत्रता से तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता से है। विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, संघ, संपत्ति आदि नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। मतदान में भाग लेना, प्रतिनिधियों को चुनना, निर्वाचन में खड़ा होना, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति का अधिकार, सरकारी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार आदि स्वतंत्रताएं हैं। प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। आठवां है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता और वे किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करता। धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत धर्म को नितांत व्यक्तिगत वस्तु समझा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को कारगर संरक्षण प्रदान किया गया है और विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द ऐसे हैं जो हमारे संविधान की 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो हमारा देश जो है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है, प्रस्तावना में इसे जोड़कर इसे इंगित किया गया है। नवा है समता। समता से अभिप्राय है अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। धन, जाति, वंश के आधार पर मनुष्य मनुष्य में अंतर नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों को देश के शासन में समान भाग मिलना चाहिए। लिंग, नस्ल अथवा संपत्ति के आधार पर राजनीतिक अधिकारों का निषेध नहीं होना चाहिए। समान योग्यता और समान श्रम के लिए वेतन भी समान होना चाहिए। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा एक वर्ग को दूसरे वर्ग का आर्थिक शोषण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को स्थान और अवसर की समता प्रदान की गई है जो अत्यंत विस्तृत है। और दसवां और अंतिम हमारा जो बिंदु है वो है राष्ट्रीय एकता। प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है। भाषा आदि की विविधता होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है। इस संबंध में प्रस्तावना का महत्व इसलिए अधिक हो जाता है कि इसमें उन दो विशेष आधारों पर बल दिया गया है जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है। सर्वप्रथम प्रस्तावना में व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा महत्व पर बल दिया गया है। व्यक्ति को लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना की जागृति व्यक्ति के स्वाभिमान की भावना से संबंधित है, परंतु व्यक्ति के स्वाभिमान की भावना राज्य एवं समाज में उसके महत्व को स्वीकार करने पर निर्भर है। यदि राज्य तथा समाज में व्यक्ति को उसकी उचित प्रतिष्ठा और अधिकार प्राप्त है, यह स्वाभाविक है कि नागरिक के रूप में देश की प्रतिष्ठा भी उसकी आस्था बनी रहेगी और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना जागृत होगी। दूसरी बात यह भी मानी जाती है कि समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की स्वीकृति राज्य तथा समाज में नागरिकों के मध्य बंधुत्व या स्नेह की भावना प्रज्वलित करेगी जिससे राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी। इस प्रकार प्रस्तावना में इन दो आधारों पर संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने बनाने का आश्वासन दिया है। तो हम इस प्रकार हम देखते हैं प्रस्तावना में भारतीय संविधान की मूलभूत आदर्शों और मूल्यों का जो समावेश किया गया है उसके एक एक शब्द का गहराई लिए हुए हैं जिसमें भारतीय संविधान का पूरा निचोड़ आ गया है।
और भारतीय संविधान के जनकों ने नवनिर्माण की भूमिका में एक एक सुव्यवस्थित समाज की इसके माध्यम से कल्पना की है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे संविधान निर्माता भी उन्हीं श्रेष्ठ आदर्शों के समर्थक रहे जिनके द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अक्षुण रखते हुए भी सामाजिक उत्थान और सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की सफलता का मुख्य कारण उसकी प्रस्तावना का व्यापक परिप्रेक्ष्य, उदारवादी दर्शन तथा लचीला स्वरूप है। आज हमने इस तरह से प्रस्तावना के जो मूलभूत अर्थ को और उसकी विशेषताओं के अध्ययन किया। आज तो इस प्रकार इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।